गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई। दूसरी बात यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। तीसरी बात, उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही। मतलब बहुत साफ है कि अभी तक इस बात को पूरे संदेह के साथ कहा जा सकता है, बल्कि पुख्ता संदेह के साथ कहा जा सकता है कि शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। यह मैं मेहमान नवाजी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, यदि आप लोगों ने तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी?